हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों अपने चैनल एचआरडी 0.3 पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होती बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों इसके साथ शुरू करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के एक नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में बता दिया गया बच्चों कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। ध्यान देंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में चर्चा करते हैं। होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है हम लोग का द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। इसके दो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है बच्चों। तो वही ज्ञात करना बच्चों, इसके शून्यक ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। क्या बच्चों? शून्यक ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। ये हम लोग का ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है ए के मान होता है, जो एक्स के साथ गुणा में होता है वो बी के मान होता है, और जो बिना एक्स वाई के होता है वो क्या होता है? सी होता है। चलिए दोस्तों देखें कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसका शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले ये करते बच्चों कि ए और सी को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ए और सी को गुणा करते हैं बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पर ए के मान कितना होगा? कुछ नहीं है तो कितना होगा बच्चों? एक। जब भी कुछ नहीं रहता तो कितना था? एक। यहाँ पर ए के मान एक होगा बच्चों और सी के मान कितना है? आठ। तो एक और आठ में हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? आठ आएगा। कितना आएगा बच्चों? आठ। अब आठ का क्या करेंगे? फैक्टर। आठ का फैक्टर, चूंकि हमको गुणा करने पर आठ चाहिए और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए माइनस का? दो। कितना चाहिए गाइस? माइनस का दो। तो आइए आठ का फैक्टर निकालते हैं कि किसके किसके पारा में आठ आता है और कितना वर्ष में आता है। तो दो के पारा में चार वर्ष में आठ आता है बच्चों। दो के पारा में चार वर्ष में आठ आता है, जो दो चौका आठ, और आठ के पारा में एक वर्ष में। ध्यान देंगे इन्हीं किन्हीं में से एक फैक्टर हम लोग को चुनना है। देखेंगे बच्चों कौन सा फैक्टर इसमें आएगा। ध्यान देंगे बच्चों आठ चार एक और गुणे आठ, आठ में एक से गुणा करते हम लोग को आठ आएगा बच्चों, लेकिन जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा और घटाएंगे तो सात। तो हमको जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए? माइनस का दो। तो ये हम लोग को हो गया रिजेक्ट, ये हो गया रिजेक्ट। अब ध्यान देंगे यहाँ पर चार दुना आठ, गुणा करने पर तो आठ आ रहा है, लेकिन ध्यान देंगे घटाने या जोड़ने पर हमको माइनस का दो भी चाहिए। तो हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, तो जोड़ेंगे तो आएगा छ, रिजेक्ट। लेकिन चार में से यानी माइनस चार और प्लस दो करेंगे तो हम लोग का घटेगा, और घटेगा तो कितना बच्चों? माइनस का दो, माइनस का दो। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इन्हीं किन्हीं में से एक हम लोग का गुणनखंड होगा। चलिए तो प्लस माइनस चार और प्लस का दो एक्स स्क्वायर और माइनस का चार एक्स प्लस का टू एक्स। माइनस में लेंगे चूंकि घटाएंगे तो हम लोग को माइनस में लाना है। यहाँ पर माइनस का आठ, माइनस का आठ। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दें बच्चों अब ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन चुनते हैं। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, कि दोनों में कौन उपस्थित है। जो दोनों में उपस्थित होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बच्चों? कॉमन लेते हैं। तो ध्यान दें बच्चों कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, दोनों में क्या बच्चों? एक्स। तो x को कॉमन ले लेंगे यानी उभयनिष्ठ करेंगे। तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर दो को x था, कितना बच्चों? दो को। तो कितना आएगा? एक आएगा। यहाँ पर एक x आएगा और यहाँ पर एक ही को x है, कितना बच्चों? एक को x है। तो आएगा कितना खाली? फोर। हम लोग आएगा माइनस का फोर। अब ध्यान देंगे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहला तो हम लोग का x तो है नहीं दोनों में, x दोनों में नहीं है। अब ध्यान देंगे कि दो और आठ, दो और आठ किसके पारा में आता है? तो दोनों बच्चों दो के पारा में आ जाता है, दोनों दो के पारा में आता है। यानी हम लोग दो को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो को कॉमन लेंगे बच्चों। तो दो यहाँ पर था बच्चों, ले लिए तो खाली बचेगा एक्स। क्या बचेगा? एक्स। और यहाँ पर भागाएंगे हम लोग, भाग करेंगे तो दो चौका आठ, क्या आएगा हम लोग बच्चों? चार। क्या आएगा? चार। अब इक्वल टू में आप लोग जीरो लगा सकते हैं, चूंकि शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है कि क्या? गोल यानी जीरो।
होता आप लोग का जीरो। अब ध्यान देंगे यहाँ तक बना लिए, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है तो हम लोग सही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे या इन दोनों में किसी एक को ले लेंगे। तो x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, और इसमें से किसी एक को ले लेंगे, इसमें से किसी एक को ले लेंगे, x माइनस का 4 इक्वल टू में बच्चों 0। ये प्लस में है, उस पर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, उस पर जाएगा तो माइनस में। तो x पर वो करेंगे तो माइनस का 2, क्या आएगा गाइस, माइनस का 2। ध्यान देंगे यहाँ पर ये माइनस में है और उस पर जाएगा तो किस में आएगा, प्लस में, ये आएगा हम लोग प्लस का 4। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। कई क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि इसका जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जांच भी कर सकते हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर यहाँ पर एक्स के स्थान पर दे दिया है एस, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है बच्चों, ए बी सी डी में से, यानी चार का मान कुछ भी हो सकता है, चार का मान बदलते रहता है बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एस दे दिया है, जहाँ हम लोग को एक्स होता है या वाई होता है वहाँ पर दिया है एस, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करेंगे बच्चों किस में, ए और सी में, ए और सी में क्या करेंगे, गुणा। तो ये एक के मान हो गया और ये सी के मान। बताया गया है कि जो एक्स स्क्वायर यानी एस स्क्वायर के साथ में होगा वो हम लोग को ए के मान, जो सिंपल एस के साथ होगा वो बी के मान, और जो बिना एस वाई एक्स जेड के होगा वो क्या होगा, सी के मान होगा। तो ए और सी में क्या करेंगे, गुणा। तो एक मान चार बच्चों, एक मान चार, एक मान चार बच्चों और सी के मान एक, गुणा करें तो कितना आएगा, चार। गुणा करें तो कितना आएगा, चार। तो गुणा करने पर चार आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी क्या बच्चों, चार, दोनों सेम है। गुणा करने पर भी चार और जोड़ने घटाने पर भी चार। तो चार का फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, चार का फैक्टर। तो चार दो के पहाड़ा में आता है बच्चों दो मर्त में, दो के पहाड़ा में दो मर्त में एक और होता है, चार के पहाड़ा में कितना मर्त में, एक मर्त में, चार के पहाड़ा में एक मर्त में। इसको देखेंगे सबसे पहले, तो जोड़ेंगे तो हम लोग को आएगा बच्चों कितना, पाँच आएगा, घटाएंगे तो तीन, ये नहीं आया, हमको कितना चाहिए, चार चाहिए, जोड़ने या घटाने पर चार। ये हो गया हम लोग का रिजेक्ट। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर गुणा करने पर तो चार आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर भी हम लोग को क्या चाहिए, चार चाहिए। तो जोड़ेंगे तो कितना चाहिए बच्चों, चार। तो दो में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चार, चार आ जाएगा। लेकिन इसमें भी सोचना ये है बच्चों कि हमको माइनस चार चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का चार। तो माइनस दो और माइनस दो ले लेंगे तो हम लोग को आएगा माइनस का चार। तो फोर एस स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, माइनस का टू एस, माइनस का टू एस, ओके। जोड़ेंगे दोनों को, ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का फोर एस, प्लस का वन, प्लस का वन, इक्वल टू में आप लोग जीरो लगा सकते हैं यहीं पर। चलिए जीरो लगा लिए, चूंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं बच्चों, कॉमन ढूंढते हैं, दो दो में क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। तो पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में। अब देखेंगे बच्चों दोनों में क्या है, एस, दोनों में क्या बच्चों, एस। तो एस को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब देखेंगे कि चार और दो, चार और दो किसके पहाड़ में आता है, दोनों दो के पहाड़ में आता है, दो दूनी चार और दो एकम दो, तो दो दूना हम लोग का बच्चों चार, दो दूना चार, दो को एस था, एक को ले लिए, कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक, माइनस टू एस यहाँ पे बच्चों क्या है, टू एस है, और टू एस ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, एक, कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर, तो क्या बचेगा, एक। चूंकि हम लोग को यहाँ पर टू एस था और टू एस ले लिए, तो बचेगा हम लोग का एक। अब ध्यान है बच्चों यहाँ पर कुछ कमन नहीं दिख रहा है, हमको इतना ही लाना था और इतना है ही, यहाँ पर कुछ कमन नहीं दिख रहा है। जब भी कुछ कमन नहीं दिखेगा तो क्या लेंगे हम लोग, एक, क्या लेंगे बच्चों, एक। तो यहाँ पर हमको माइनस वन लाना है, तो माइनस में वन ले लेंगे बच्चों, जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो ये माइनस में तो आएगा प्लस में, ये प्लस में तो आएगा माइनस में, ओके, आएगा माइनस में। अब क्या करें बच्चों, इन दोनों को ले लेंगे या इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। चलिए 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, या इन दोनों में किसी एक को ले सकते हैं आप लोग, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, 2s ये हम लोग माइनस में है, उस पर जाएगा तो प्लस में होगा, आएगा वन, आएगा बच्चों वन, ये किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, तो वन बाई टू हो जाएगा, एस के मान वन बाई टू। यहाँ पर भी वही कंडीशन,
2s, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, किस में? प्लस में। s बराबर करेंगे तो 1/2, 1/2, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। चले दोस्तों एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें इसको मिटा दे रहे हैं, उसके पास एक और ओके क्वेश्चन। अब हम लोग 3 देखें बच्चों, अब देखेंगे ये क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में भूल याद दिया है, ये 7x बाद में दे दिया बच्चों, 80 के मान पहले दे दिया है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों होता है व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, हम लोग का सी के मान पीछे होता है और ये बी के मान बीच में होता है और ए के मान पहले होता है। तो ये क्वेश्चन भूलिया के दिया है, सी के मान को पहले कर दिया है, बी के मान को बाद में कर दिया है। चूंकि अभी बताइए बच्चों जो कि एक्स के साथ में होता है वो बी के मान होता है और एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए के मान होता है और बिना एक्स वाई वाला सी का मान होता है। तो इसको हम लोग सजा लेंगे अपनी तरफ से, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब क्या करते हैं ए और सी को गुणा करते हैं, ए और सी में गुणा करते हैं बच्चों, ए के मान कितना है 6 और सी का मान 3 है, तो 6 और 3 में क्या करेंगे गुणा, आएगा 36 18। अब क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 चाहिए, बीच वाला लाना होता है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7, क्या बच्चों माइनस में 7 चाहिए और गुणा करने पर 18, तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग कि किसके पारा में 18 आता है, तो 2 के पारा में 9 मर्द में 18 आता है बच्चों, 2 के पारा में 9 मर्द में यानी 18 के पारा में 1 मर्द में, यही होता है और भी होता है बच्चों 6 के पारा में 3 मर्द में, 36 18, ये सब हम लोग का होता है इसका फैक्टर। अब मिलाएंगे बच्चों किस में आता है किस में नहीं आता है, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमको माइनस का 7 चाहिए और गुणा करने पर 18, इसको देखेंगे गुणा करने पर तो आ जा रहा बच्चों लेकिन जोड़ेंगे तो 19 और घटाएंगे तो 17 नहीं आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा है। अब इसको देखेंगे हम लोग गुणा करेंगे तो 18 आएगा और जोड़ेंगे तो 11, लेकिन बट परंतु माइनस 9 और प्लस 2 करेंगे, माइनस 9 और प्लस 2 तो हम लोग को आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 यानी घटाने पर हम लोग आगे बच्चों माइनस का 7, ध्यान दें बच्चों। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर क्या बच्चों हम लोग का माइनस का 9x, माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3 ओके। अब ध्यान देंगे देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर क्या है x है, दोनों में क्या है x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और 6 और 9 किसके पारा में आते हैं बच्चों 3 के पारा में, दोनों 3 के पारा में आते हैं तो 3 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो 3 × 6 और 2 × x है तो 1 ले लेते कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, कितना 1 ओके, 3 × 9 और 1 × x था कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, एक्स का था वो कुछ नहीं बचेगा और 3 का ये 9 हो गया। चलिए बच्चों लाना है 2x माइनस का 3 और यहाँ पर भी कितना है 2x माइनस का 3, जब भी सेम कंडीशन आ जाए तो 1 लेंगे, क्या बच्चे 1 लेंगे हम लोग, 1 कॉमन यहाँ पर ले लेंगे, 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे इसको ले लेंगे एक बार और इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो 3x प्लस का 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यहाँ पर 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, इसमें से किसी एक को लिए बच्चों या इसको लिए, चलिए ये प्लस में है उस पार जाएगा तो किस में होगा माइनस में होगा, 3x इक्वल टू आएगा माइनस का 1, गुणा में नहीं है तो बटा में, गुणा है तो बटा में, यहाँ पर 2x इक्वल टू में जाएगा 3 बच्चों, x बराबर करेंगे तो 3 अपन में 2, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट लाइक करें और कमेंट करते रहे बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।